हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर यूपीटेट के लिए टॉप 100 मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें ये भाग दूसरा मैं लेकर आया हूँ। भाग एक आपको प्राप्त हो चुका है, जिसमें मैंने 15 प्रश्नों की चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर चलिए सीरीज का जो दूसरा भाग है उसका यहां से 16वां प्रश्न सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 5 है तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान क्या होगा। तो चलिए यहां से देखें, दिया हुआ है कि x प्लस 1 बटे x बराबर कितना है, 5 है। यहां से आपसे पूछा गया है x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो अच्छा, यहाँ पे आप यदि पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहे तो इसके लिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान देना, इसके लिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये है। आपको बता दें कि यदि x प्लस 1 बटे x ये बराबर a है तो इसमें जो सिचुएशन हो सकती है, जैसे जिस आप में जो प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि यदि आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, जैसे ये मान दिया हुआ है x प्लस 1 बटे x का मान आपको बतलाया हुआ है कि कितना है, a है, मान लिया ऐसा दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर ये शॉर्ट मेथड में यदि हल करना चाहे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, मतलब जितना x प्लस 1 बटे x का वैल्यू दिया रहे उसका स्क्वायर करके आपको 2 घटा देना है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब क्या होगा, मान लिया ये सवाल किया गया, तो जितना x प्लस 1 बटे x का मान दिया हुआ है, जैसे a दिया है, तो इसका क्यूब करके माइनस 3 गुणा a ये कर देना। और यदि आपसे पूछा जाए x पे पावर 4 प्लस 1 बाई x पे पावर 4, यदि इसकी वैल्यू पूछा जाए तो आपको करना है a पर 4 माइनस 4 a का स्क्वायर और प्लस। तो इस तरीके से आप इसके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यदि इसे शॉर्ट में हल करें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान क्या होगा। देखिए, आपको ये बताया हुआ है कि x प्लस 1 बटे x बराबर 5 है, मतलब a का मान दिया हुआ है किसके बराबर है, 5 है। तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब पूछा गया, तो यदि x प्लस 1 बटे x का मान दिया हुआ है और x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब आपसे पूछा जाए तो a का क्यूब करना माइनस 3 गुणा a। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन देखें, a का मान 5 दिया है तो 5 का क्यूब करना माइनस 3 गुणा a, तो 3 गुणा a का मान कितना है, 5। तो आप समझ रहे हैं इससे 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 माइनस 3 का गुणा 5 में कितना, 15। तो 125 में 15 घटाइएगा कितना आएगा, 110, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी होगा। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, पता है, तब आप डायरेक्ट एक लाइन में निकाल लीजिए, x प्लस 1 बटे x का मान a दिया हुआ है तो इसका मान आसानी से हमें मिल गया है ना। और यदि आपसे x प्लस 1 बटे x का मान देके x पर 4 प्लस 1 बाई x पर 4 पूछा जाता तो a का तो मान दिया ही, तो 5 पर घात 4 माइनस 4 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर लेते, हमारा रिजल्ट मिल जाता। तो इसे समझ रहे हैं, मान लिया आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तब कैसे हल करेंगे, थोड़ा फिर से ध्यान देते हैं, इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। यदि x प्लस 1 बटे x का मान 5 लिया है तो हमें चाहिए x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब, तो ये क्यूब टर्म में चाहिए, तो आप ऐसा करिए इसके दोनों पक्ष का घन कर दीजिए। घन क्यों कर रहे हैं आप समझ गए, क्योंकि हमें घात 3 लाना है, तो दोनों पक्षों का यदि आप घन करिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मतलब इसका भी क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा a plus b का होल क्यूब। और आप जानते हैं a plus b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a cube plus b cube plus 3ab within bracket a plus b, यही होता है। तो चलिए यहां से देखें, दोनों पक्षों से क्यूब करेंगे तो a का मान x है, तो a cube plus b का क्यूब करेंगे तो 1 बटे x क्यूब, और प्लस 3ab, 3 into a का मान x है और b का मान 1 बटे x है,
और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, a का मान x है और प्लस b का मान बराबर दूसरे पक्ष का भी क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ये x x यहां से कैंसिल हो गया, फिर से ध्यान देना x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब प्लस यहां पर 3 है 3 लिखिए इनटू x प्लस 1 बटे x का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है, x प्लस 1 बटे x का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहां पर रख दीजिए बराबर 100। अब 3 5 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब कितना हो जाएगा 3 5 15 उधर माइनस हो जाएगा तो 110। ये है, बात समझ में आया कि नहीं? यदि आपसे स्क्वायर के टर्म में पूछा गया होता तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते, अब 4 के टर्म में पूछा गया होता तो एक बार वर्ग का करते फिर दूसरी बार जो रिजल्ट आता फिर उसका वर्ग कर देते। तो चलिए आपने ये प्रश्न समझ लिया है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए इस सीरीज में एक अगला प्रश्न यहां से लेते हैं, 17 नंबर का प्रश्न जिसमें लिखा हुआ है यदि a बराबर 11 है और b बराबर कितना है 9 है, a बराबर 11 है b बराबर 9 है, तो आपसे पूछा गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपान a क्यूब माइनस b क्यूब। तो चलिए सबसे पहले जिसका वैल्यू पूछा गया है पहले उसी को सिंपलीफाई कर लें। जैसे हमें मान बताना है, सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा प्रश्न है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू पूछा गया है। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, पहले वो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट हो जाएगा ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना, बताइएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसमें कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या? ऊपर अंश में a बचा और नीचे a माइनस बी बचा, बस हो गया, उत्तर हमारा आ गया 1 बटे a माइनस बी। a का मान 11 दिया है और b का मान कितना दिया है 9 दिया, तो a का मान 11 रख लीजिए b का मान 9, तो 1 बटे कितना गया 2, ये हमारा उत्तर है। तो आसानी से आपने समझ लिया, बस हमने क्या किया a क्यूब माइनस b क्यूब का यहां पे सूत्र रखा, ये और ये एलिमेंट कट गया, अंश में 1 बचा और नीचे हर में a माइनस b बचा, तो a का मान यहां से और b का मान यहां से 11 माइनस 9 2। तो चलिए एक अगले प्रश्न पर चलते हैं, 18 नंबर का सवाल जिसमें दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखिए, प्रश्न आसान है, लैंग्वेज देखिएगा, हमने लिखा है, चलिए आप देख पाए साइड में हो जा रहे हैं, प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में कुल 800 अंक है, मतलब परीक्षा का पूर्णांक कुल कितना है 800 और उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 40 है, मतलब पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट चाहिए है 40%। यदि रीता उस परीक्षा में 16 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाती है तो उसके अंक का परसेंट बताइए। हम समझ गए कि परीक्षा में पास होने के लिए 40% कम से कम चाहिए, परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए 40%, और रीता को, रीता जो है परीक्षा में 16 अंक से फेल हो गई, मतलब स्पष्ट है कि न्यूनतम से वो 16 अंक कम पाई, पास होने के लिए जितना कम से कम चाहिए था रीता उससे कितना अंक कम पाई 16, तभी तो 16 अंक से फेल हुई। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रीता को कितने अंक मिले, मतलब रीता का प्राप्तांक क्या रहा, परीक्षा में इस रीता ने कितने अंक प्राप्त किया। तो सबसे पहले यह देखना है कि न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक कितना है 40 है, मतलब पूर्णांक का 40% पास होना है, पूर्णांक कितना है 800, यदि रीता 800 का 40% प्राप्त करती तो पास हो जाती, लेकिन वो 16 अंक से फेल हुई, मतलब 800 के 40% से कम पाई, 800 के 40% से रीता कम पाई, कितने कम पाई 16। तो रीता का प्राप्तांक क्या रहा, मतलब 800 का यदि 40% प्राप्त कर लेती तब तो पास हो जाती, लेकिन ये 16 अंक से फेल हो गई है, मतलब 800 के 40% से रीता को 16 नंबर कम मिला।
तो स्पष्ट है यहां पर रीटा को 800 के 32 320 माइनस 16 कितना मिला, 800 के 32 320 माइनस 16 मतलब रीटा को कितने नंबर मिले परीक्षा में, 304। बस पूछा गया है रीटा का प्रतिशत प्राप्तांक बताइए, तो प्रतिशत प्राप्तांक कैसे बताएंगे, हमने आपको प्रतिशत पढ़ाते समय यह बताया था कि हमें प्रतिशत जिसका भी निकालना हो उसकी वैल्यू रखें 100 से गुणा करें और भाग करें के सापेक्ष। तो प्रतिशत हमें किसका निकालना है, प्राप्तांक का। तो पहले जितना रीटा को अंक मिले हैं परीक्षा में उसमें 100 से गुणा करें और भाग करें, प्रतिशत निकालते समय हमेशा ध्यान रहे भाग किससे देते हैं, के सापेक्ष। तो चलिए पहले आप बताइए रीटा का प्राप्तांक क्या है, रीटा को कितने अंक मिले हैं, 304 अंक मिले हैं। किसके सापेक्ष 304 अंक रीता को मिले, 800 के सापेक्ष, पूर्णांक के सापेक्ष, मतलब जितना पूर्णांक था 800 उस 800 में रीता को कितने मिले हैं, तो 304 अंक रीता को किसके सापेक्ष मिले हैं। तो यहां पे 000 कैंसिल आउट, 8 3 24 6 64 8 8 64 38 प्रतिशत रीता को अंक मिले। तो आप समझ गए रीता का जो प्राप्तांक रहा परीक्षा का वो 304 है गुणा 100, तो 304 रीता को किसके सापेक्ष मिले, पूर्णांक 800 के सापेक्ष। डबल जीरो कैंसिल, 8 3 24 6 5 64 8 9 64 रीता को परीक्षा में कितने परसेंट मिले। तो चलिए एक अगले प्रश्न पर आ जाए, यहां पर प्रश्न संख्या 19 देखे, देखिए प्रश्न देखने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान, मैंने आपको बताया था और पॉइंट जगह जगह पर मैंने भिन्न वाले सेक्शन में भी नोट कराया था, घातांक के सेक्शन में भी नोट कराया था। हमने आपसे ये कहा था कि जब तीन या तीन से अधिक पद आपस में बराबर हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कॉन्स्टेंट का प्रयोग करते, स्थिरांक का प्रयोग। तो यहां पर ये तीन पद बराबर है, ये पहला पद दूसरे के बराबर, दूसरा पद तीसरे के बराबर है, ये तीन पद बराबर है लेकिन किसके बराबर है ये तीनों पद ये नहीं पता। तो हमने आपसे बताया था कि जब तीन या तीन से अधिक पद आपस में बराबर हो तो ऐसे प्रश्नों को जब भी हल करना तो मान लेना ये सब बराबर है कॉन्स्टेंट के स्थिरांक के। तो चलिए मैंने वैसा ही किया, हमने मान लिया A पर x बराबर b पर y बराबर c पर z, ये तीनों जो बराबर है हमने मान लिया, ये तीनों किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के। इसका मतलब ये पहला पद भी k के बराबर है, दूसरा पद भी k के बराबर है और तीसरा पद भी k के बराबर। तो बारी बारी से आपको तीनों पद को कांस्टेंट के बराबर दिखाना है। एक जानकारी के लिए आपको बता दें घातांक का मैंने एक नियम बताया हुआ था, वो हम नियम यहां पे लिख दे रहे हैं। हमने आपको ये बताया था कि यदि a पर घात x ये बराबर b हो तो उस कंडीशन में a का जो वैल्यू होगा, a का मान जब निकालेंगे तो x जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये घात का व्युत्क्रम हो जाएगा, जिसमें मैंने हेडिंग रूल में लिखा था घात का व्युत्क्रम नियम। तो यदि a पर घात x बराबर b है तब a का मान कितना हो जाएगा, x जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इस घात का उल्टा हो जाएगा, ये घातांक का नियम है। तो चलिए बारी बारी से आपको सारे पद को, अतः पहले पद को भी k के बराबर दिखाइए। चलिए देखिए जब पहले पद a पर घात x बराबर जब हम k के दिखाएंगे, आपको करना क्या है तीनों पद को बारी बारी से कॉन्स्टेंट k के बराबर दिखाना। तो जब पहले पद को बराबर k के दिखाएंगे तो उस कंडीशन में बताइएगा a बराबर कितना हो जाएगा, जब x दूसरे साइड जाएगा तो जैसे यहां b पर 1 बटे x हो गया था वैसे ही यहां पर k पर घात 1 बटे x हो गया। इसी प्रकार जैसे आपने यहां हल किया उसी प्रकार दूसरे पद को भी बराबर k के दिखाइए, बारी बारी से सबको k के बराबर दिखाना है। तो जब b पर घात y को बराबर k के दिखाएंगे तो उस कंडीशन में b बराबर कितना हो जाएगा, जब y दूसरे पक्ष में जाएगा तो k पर घात 1 बटे y हो जाएगा, और जब c पर घात z बराबर k के दिखाएंगे तो उस कंडीशन में c बराबर हो जाएगा k पर घात 1 बटे। तो ये मैंने एक एक लाइन नोट कर लिया ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, वैसे परीक्षा में बस आप तुरंत समझ लिया करिए
a पर घात x बराबर k, तो a बराबर सीधा सीधा k पर 1 बटे x, अब b पर y बराबर k है, तो एक ही लाइन में a b c के मान आप रख लीजिए। इतना आपको समझ में आया, एक जानकारी और दिया है तथा b स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है a c, तो चलिए अब हम लेते हैं b स्क्वायर बराबर a c, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ये बताया है कि b स्क्वायर बराबर a c है, तो y किसके बराबर, तो चलिए b का स्क्वायर करें, b का मान कितना है, b का मान है k पर घात 1 बटे y, इसका स्क्वायर करिए बराबर a c, a इंटू सी ये दिया हुआ है, तो a का मान कितना है k पर घात 1 बटे x इंटू सी, c का मान कितना है k पर घात 1 बटे z, इतना बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा आप देख रहे हैं घातों पर भी घात है, और आप जानते हैं यदि घातों पर भी घात हो तो घातांक के नियम के अनुसार घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो चलिए अब देखिए एक बटे वाई पर भी घात दो है, तो एक बटे वाई का गुणा दो में करेंगे तो यह हो जाएगा दो बटे वाई बराबर, अच्छा इन दोनों पदों का गुणा करना है और आधार समान है, और आप जानते हैं कि यदि गुणा करते समय आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो एक बटे एक्स प्लस एक बटे, अब दोनों पक्षों में क्या है आधार बराबर है, तो जब दोनों पक्षों में आधार बराबर हो तो घात की भी तुलना कर लेते हैं, आपको पता है घातांक का नियम a पर x बराबर यदि a पर y है, तो उस कंडीशन में जब दोनों पक्षों में आधार बराबर हो तो हम क्या करते हैं घात को भी बराबर दिखा देते हैं, तो दोनों साइड में आधार देख रहे हैं यहां भी के यहां भी के, तो घात को जब बराबर दिखाएंगे तो दो बटे वाई बराबर एक बटे एक्स प्लस एक बटे जेड, ये समझ रहे कि नहीं। अच्छा आप इसे थोड़ा हल कर लीजिए, तो ये एक्स जेड का लस लेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा, एक्स एक्स भाग करेंगे कैंसिल, जेड का गुणा एक में जेड हो जाएगा, और जेड जेड कैंसिल, एक्स का गुणा एक में करेंगे। अब जानते हैं आप ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो क्या करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो तिर्यक गुणा करेंगे, तो वाई का गुणा इसमें करना दो का गुणा इसमें, तो जब y का गुणा करेंगे किसमें, y का गुणा करेंगे z प्लस x में, और बराबर 2 का गुणा किसमें करेंगे x z में, तो ये हो गया, इसलिए हमें y का मान पता चल गया, y का मान कितना 2xz बटे, पढ़ पा रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूं, देखिए y into z प्लस x बराबर 2xz, अतः जब y बराबर लिखेगा तो z प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 2xz बटे कितना हो जाएगा z प्लस x, ये होगा ये y का मान होगा, और आप देखिए ये किस ऑप्शन में है लास्ट ऑप्शन में 2xz अपॉन x प्लस z, तो प्रश्न ये नहीं सोच रहा ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ये तो मैंने जानबूझ के पूरा इतना एक एक पार्ट ओपन कर दिया, मेन कैलकुलेशन आपका यहां से है, ए बी सी के डायरेक्ट मान आप निकाल लिया करिए एक लाइन में, तो इस पार्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं साइड में हो जा रहा हूं, पार्ट को अच्छे से समझना, a पर घात x बराबर k है तो a बराबर कितना k पर घात 1 बटे x, जब x उधर जाएगा तो k पर 1 बटे x, इसी तरीके से जब b पर y बराबर k दिखाएंगे तो b बराबर कितना y इधर आएगा तो k पर 1 बटे y, और इसी तरीके से c बराबर k पर घात 1 बटे, ये b स्क्वायर बराबर इसी आपके ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो अब बस हमें क्या करना मान रखना b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है k पर 1 बटे y, इसका स्क्वायर करें बराबर a इंटू c, तो a का मान इतना है इंटू c का मान कितना है k पर 1 बटे, अब घात पर भी घात हो तो घातों का गुणा करेंगे तो k पर कितना हो जाएगा 2 बटे y बराबर, आधार समान हो तो गुणा करते समय घातों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, अब दोनों पक्षों में आधार बराबर है तो घातों को भी क्या करेंगे बराबर दिखा देंगे, इसका मैंने लॉस लेके इसे हल किया, अब तिर्यक गुणा कर दिया, यहां से सीधे y का मान प्राप्त हुआ, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट सीरीज की ओर चलते हैं आपके इस पैटर्न में, तो सीरीज का जो अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 20, जिसमें लिखा हुआ है कि एक कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की उम्र वर्ष में इस तरीके से दिए गए हैं 33, 54, 29, 40, 35, 21 और 27, तो पूछा गया है कि इनके उम्र का जो परिसर है वो परिसर क्या होगा, ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो पहले परिसर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था
परिसर को हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं और रेंज नाम से ही स्पष्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि दुकानदार से या कपड़े की दुकान पर जाएं और दुकानदार से जैसे मैंने कहा था टी शर्ट का पूछे कि रेंज क्या है, तो बताता है कि 250 से 1000, मतलब वो न्यूनतम और अधिकतम सीरीज को दर्शा देता है। तो यही डेफिनेशन है, दिए गए आंकड़ों के न्यूनतम और महत्तम मान के अंतर को ही हम परिसर कहते हैं। मतलब जो आंकड़ा दिया गया है उसमें जो न्यूनतम मान है और जो अधिकतम मान है उसी का अंतर कर दीजिए परिसर बताओ से। तो यहां पर देखा जाए जो कर्मचारियों की उम्र वर्ष में दिए गए हैं उसमें अधिकतम क्या है 54 है और न्यूनतम क्या है 21 है, तो इनके उम्र का परिसर क्या है। इसलिए उम्र का जो परिसर होगा, परिसर का डेफिनेशन जो होता है, परिसर को परास भी बोलते हैं, अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को, तो अधिकतम उम्र कर्मचारी का 54 है और न्यूनतम है 21, बस घटा दीजिए आपका उत्तर मिल गया। मतलब परिभाषा में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। तो इन कर्मचारियों का जो परिसर उम्र है वो कौन सा है 33 वर्ष। तो चलिए देखिए सीरीज का जो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 21, इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का योगफल और गुणनफल रिस्पेक्टिवली दिया है 11 तथा 18। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, जैसे व्युत्क्रम सेंस प्रतिलोम से होता है और प्रतिलोम के दो नेचर होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि a बटे b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए प्रतिलोम के दो मूल होते हैं, एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है जिसे हम व्युत्क्रम बोलते हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम a बटे b का यदि पूछा जाए तो उल्टा कर दीजिएगा, अंश हर को बदल दीजिएगा, मतलब a बटे b का गुणात्मक प्रतिलोम b बटे a। लेकिन यदि आपसे a बटे b का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, जो प्रतिलोम का दूसरा पहलू होता है, तो a बटे b का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो माइनस a बटे b होता है, मतलब इसमें चिन्ह का परिवर्तन होता है। तो यहां पर देखिए दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया संख्याएं a और b, हमने मान लिया ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, a और b। अब इसमें दिया है कि दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18, मतलब दो जानकारी दिया है, योग दिया है 11 है और दोनों का गुणनफल कितना है 18 है। तो ये दो जानकारी है, दो संख्याएं a और b है, दोनों का योगफल 11 है तथा दोनों का जो गुणनफल है वो 18 है। तो एक संख्या a है दूसरी b है, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा a into b, ये कितना है 18। ये दो जानकारी आपके प्रश्न में दे रखा। अब हमसे पूछा है तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, किन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्या a और b है तो इन दोनों के व्युत्क्रम का योग, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, उल्टा हो जाए, और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a। अब दोनों के व्युत्क्रम का योग पूछा है तो चलिए योग निकाल लें, 1/a + 1/b। हम क्या करेंगे, पहले हर a और b का लसा लेंगे, तो देखिए कैसे हम करेंगे, लसा हमने लिया तो a into b हो गया। अब हर का भाग हर में दीजिए, जब a का भाग आप a में दीजिएगा, a का भाग a में तो कट जाएगा, बचेगा क्या b, अब b का गुणा इसके अंश 1 में करेंगे तो b हो जाएगा, प्लस अब b का भाग किस में देंगे इस हर में, तो जब b का भाग इसमें देंगे तो b से b कट जाएगा, a बचेगा, a का गुणा इस अंश 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बस हो गया b + a / ab होगा इनके व्युत्क्रम का योग। तो यही मान रख लीजिए b + a का मान कितना है 11 और a into b का मान कितना है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा 11/18, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 11/18 होगा। तो आपने इसे समझा, देखा जाए वैसे ये जो टॉप 100 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं इसमें हर पहलू, चाहे वो क्षेत्रफल हो, आयतन हो, माध्य माध्यिका बहुलक हो, सामान्य बीजगणित के पार्ट हो, एकिक नियम के पार्ट हो, या फिर प्रतिशत लाभ हानि अनुपात समानुपात, इन सब के पूरे मिले जुले करणी घातांक वर्गमूल घनमूल भिन्न योग अंतर गुणा भाग, सारे पहलू को टच किया गया है। और एक एक पार्ट को देखें जो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते गए हैं, ऐसे टेंडेंसी को ध्यान में देखें ये प्रश्न को जो है रखा गया है। और आप ये टॉप 100 प्रश्नों को अंतिम समय में अपने रिविजन के रूप में लीजिएगा,
और देखिएगा काफी हेल्प आपको अवश्य मिलेगा आपके इस परीक्षा में। तो चलिए देखें अगला प्रश्न। यहां पर 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 1/5 अनुपात 1/x बराबर है 1/x अनुपात 1/1.25। तो इसमें x किसके बराबर होगा? हमने आपको एक समानुपात का डेफिनेशन बताया था, हमने ये कहा कि जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हो तो इसे समानुपात कहते हैं। यहां भी देखिए ये अनुपात बराबर है इस अनुपात के, बात समझ रहे हैं? ये अनुपात बराबर है इस अनुपात के, मतलब ये दोनों अनुपाती राशियां आपस में समान है, अतः हम कहते हैं ये समान अनुपात है। ये दोनों अनुपात समान है, बराबर है, मतलब क्या हुआ? समान है, मतलब हम ये कहते हैं ये समान अनुपात है। और जब समान अनुपात है तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया था कि उस कंडीशन में बाह्य पद का गुणनफल बराबर, समानुपाती पदों में ही होता है ना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर कर लीजिए, तो अंदर का गुणा अंदर करें तो 1/x का गुणा 1/x में कितना हो जाएगा? 1/x का स्क्वायर। 1/x का गुणा 1/x में गुणा करेंगे तो 1/x स्क्वायर। अब बाहर का गुणा जब बाहर गुणा करें तो 1 का गुणा 1 में, अंश का गुणा पहले करिए, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। अब 5 का गुणा इसमें करें तो 5 5 25 5 2 10 2 12 5 1 का 5 हो रहे, तो 1/x स्क्वायर बराबर। अच्छा आप जानते हैं कि a/b बराबर c/d हो तो आप क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। तो चलिए तिर्यक गुणा कर लें तो x स्क्वायर का गुणा 1 में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। और 6.25 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.25। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? ये करणीय में हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल 25 होता है, यहां पे 2 ऊपर दशमलव है तो ये दशमलव कितने पर लग जाएगा? 1 पर। तो x बराबर होगा 2.5 जो कि आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आसान प्रश्न था, बस इतना ध्यान देना जब दो अनुपाती राशियां बराबर हो तो इसे समानुपात कहते हैं और समानुपाती पदों में ये कंडीशन होता है। तो चलिए एक अगले प्रश्न की ओर आ जाएं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि p+q का 20%, p+q का कितना? p+q का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा 20%। और प्रतिशत का मतलब क्या है? बटा 100। मैंने देखिए आपको बताया था प्रतिशत शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100। यदि हम इसे कंबाइन कर दें तो हम पढ़ेंगे बटा 100। तो ये प्रतिशत का जो मूल होता है वो होता है बटा 100। तो यहाँ p+q का मतलब गुणा 20%, मतलब 20 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। ये बराबर है p-q का 50%, मतलब 50/100। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल। अब गुणा करिए 2 का गुणा p में, 2p प्लस 2 का गुणा q में गुणा करें तो 2q बराबर 5 का गुणा p में 5p माइनस 5 का गुणा q में 5p। इतना समझ में आया आपको? अब हम क्या करें, p को p के पास पक्षांतर कर लें, p एक पक्ष में और q एक पक्ष में। देखिए कैसे करेंगे, जैसे 2q यहां पर है, माइनस 5q यहां पर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2q और 5q कितना हो जाएगा? 7q बराबर 5p यहां पर है, 2p उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5p माइनस 2p कितना हो जाएगा? 3p। फिर से समझिएगा, 2q यहां है, माइनस 5q यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2q में 5q प्लस होगा तो 7q हो जाएगा। अब 5p यहां पर है, ये 2p उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5p में 2p घट जाएगा तो 3p। बस हमें करना क्या है, यहां पे संख्या संख्या 7 इधर है, 3 इधर पक्षांतर कर लीजिए, भाग हो जाएगा क्योंकि 3 इधर गुणा हो रहा था। और वहां पे p है, q आप उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो p/q बराबर 7/3, मतलब p/q बराबर 7/3 आपके डी ऑप्शन। क्योंकि a अनुपात b को सीधे तौर पे a अनुपात b रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हमने क्या किया p q एक साइड, मतलब चर राशियां एक पास, अचर राशियां एक पास कर दिया। तो यहां 7 है, 3 जब इधर पक्षांतर किया तो 7/3 हो गया, बराबर p यहां पर है, जब q इधर आया तो भाग हो गया p/q।
तो चलिए अभी हम अगले पैटर्न पर आ जाएं, अगले पार्ट पर आ जाएं। और इस सेक्शन में हम अगले सीरीज की ओर आते हैं, है ना। तो ये टॉप 100 प्रश्न का भाग दो बड़े ध्यान से पूरा सीरीज देखिएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न यहां पे लिख रहे हैं सीरीज का, ध्यान समझिएगा। तो सीरीज के इस अगले प्रश्न में जो प्रश्न संख्या 24 दिया गया है, जिसमें लिखा है कि यदि a बटे b ये बराबर 6/7 है तो a प्लस 2b अपान a माइनस 3b इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये अनुपाती संबंध रख रहा है, जब भी कभी बटे में वैल्यू दिया हो और बटे में ही मान पूछा जाए तो अनुपाती संबंध होता है। जैसे a बटे b को a अनुपात b लिखते हैं, तो वैसे भी ये अनुपात में ये है और अनुपात में ही मान भी पूछा गया, तो सीधे तौर पे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। a बटे b बराबर 6/7 दिया है तो ये अनुपाती संबंध है। अनुपात क्या कहता है? अनुपात दो या दो से अधिक राशियों में संबंध बताता है। ये कहता है कि यदि पहली राशि इतनी होगी तो अन्य राशि कितनी होगी। जैसे ये बता रहा है कि यदि a का मान 6 होगा तो b का मान कितना होगा? 7 होगा। तो अब इसमें ध्यान देना, हमसे पूछा गया है a प्लस 2b अपान a माइनस 3b का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए परिणाम, a का मान कितना है? 6 प्लस 2 इंटू b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? 7 बटे a, a का मान कितना है? 6 माइनस 3 गुणा b, और b का मान कितना है? 7। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 14 × 6 = 20। 2 × 7 = 14, 14 + 6 = 20 और 3 × 7 = 21। 6 − 21 कितना आएगा? -15। 6 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा? -15। तो बस 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में, तो -4/3 इसका परिणाम होगा, इसका रिजल्ट होगा। तो देखिए -4/3 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, ये सही। तो बहुत ही आसान है, जब बटे में दिया रहे परिणाम और बटे में ही पूछा जाए तो समझ लीजिएगा अनुपाती संबंध है, और अनुपात जो होता है संबंध दिखाता है। ये संबंध ये है कि a बराबर 6 है और b का मान 7 है। तो इस तरीके से यहां पे बटे में ही पूछा जाए, ये भी शर्त है, तभी ऐसा करिए। तो चलिए अभी इस सीरीज में एक अगले प्रश्न पर आ जाएं, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को बेचने पर, जब कोई वस्तु बेची जाती है तो एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। मतलब जब व्यक्ति वस्तु को बेचता है तो उसे लाभ होता है, किसके बराबर लाभ होता है? विक्रय मूल्य के 25%। मतलब जितने में बेचा था, जितने में बेचा था, जैसे 100 रुपए मान लिया बेचा है तो उसके 25% के बराबर लाभ होता है। मतलब 100 का 25% 25 के, मतलब यदि जैसे मान लिया 100 रुपए में बेचा तो उसे 25 रुपए के बराबर का फायदा। तो आप इसे अनुपाती नियम से लगा लीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है। वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो पहले देखिए व्यक्ति को क्या होता है? लाभ होता है। व्यक्ति को लाभ होता है, किसके बराबर लाभ होता है? विक्रय मूल्य के 25% के बराबर। व्यक्ति को क्या होता है? फायदा होता है, किसके बराबर फायदा होता है? विक्रय मूल्य के, मतलब जितना विक्रय मूल्य है उसके 25% के बराबर। 25% मतलब 25/100। 25 से एक बार में, 25 से कितनी बार में? 4 बार। वैसे विक्रय मूल्य इधर गुणा हो रहा है, आप इधर पक्षांतर कर लीजिए तो भाग हो जाएगा, तो लाभ बटे विक्रय हो जाएगा, बराबर कितना? 1/4। ये बात समझ में आया कि नहीं? देखिए विक्रय मूल्य इधर गुणा हो रहा है, जब दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो लाभ बटे विक्रय बराबर कितना? 1/4। यहां पर सेंस क्या हुआ? यहां पर सेंस ये हुआ, अनुपात जो होता है बटे का सीधा सीधा संबंध रखता है। जैसे ये अनुपात है और ये बता रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये हमसे ये कह रहा है कि जैसे मैंने इस पेन को, ध्यान से समझिएगा मैं साइड हो जा रहा हूं, मैं आपसे ये कह दूं कि इस पेन को हमने 4 में बेचा, इस पेन को हमने कितने में बेचा? विक्रय किया 4 में, तो हमें लाभ हुआ 1 रुपए।
जैसे हम आपसे कह दें इस पेन को हमने 4 रुपए में बेचा तो हमें 1 रुपए के बराबर फायदा हुआ, मतलब मैंने इसे खरीदा कितने में रहा, 3 रुपए में। जैसे हम आपसे कहें कि इस पेन को हमने बेचा 4 में तो हमें लाभ हुआ 1 का, मतलब हमने इस पेन को खरीदा कितने में था, इसलिए जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 3। तो बस हमसे पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो अब बताइए प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ क्या होता है, जितने का लाभ हो उसमें 100 का गुणा करेंगे और भाग करेंगे क्रय मूल्य से। तो लाभ हमें किसके बराबर हुआ है, 1 रुपए के बराबर गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य कितना, तो 100/3 का मतलब 33 सही 1/ 100/3 मतलब 100 में 3 से भाग करेंगे 33 बार जाएगा, शेष 1 बचा है भागफल सॉरी भाजक 3, 33 सही 1/3 ऑप्शन है डी। तो आपने इस क्रम को समझा, आसान सवाल था, बस इसे सीधे तौर पे संबंध आ रहा था कि जो व्यक्ति को फायदा हुआ लाभ हुआ वो विक्रय के 25% मतलब विक्रय का 1/4 के बराबर, तो विक्रय इधर आया तो भाग हो गया बराबर 1/4, मतलब पेन को 4 में जैसे हम कहें बेचा तो हमें 1 का फायदा हुआ, मतलब खरीदा कितना था, 3 का। तो प्रतिशत लाभ यहां से आसानी से निकल आया। चलिए एक सीरीज का अगला जो प्रश्न हमें यहां पे दिया है इसमें ये रहा कि कुछ व्यक्ति, ये कुछ कितने हैं यही हमें बताना होगा, कुछ व्यक्ति हैं वो एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक एक नियम का ये सवाल है, कुछ व्यक्ति एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, मतलब जितने व्यक्ति शुरुआत में काम पर लगे थे, कह रहा है कि यदि उससे 15 व्यक्ति कम हो जाए तो वही कार्य 10 दिन अधिक समय लेगा, मतलब उसी काम को पूरा करने में 10 दिन और ज्यादा लगेगा, तो शुरुआत में कितने व्यक्ति कार्य पर थे। इसमें व्यक्ति और कार्य में, व्यक्ति और समय में संबंध रखना है। तो आपको बताया गया था M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2, क्योंकि घंटे में किए गए कार्य की चर्चा नहीं हो रही है और कार्य वही है, तो इसलिए सीधे तौर पे ये संबंध बनेगा M1 D1 बराबर M2 D2, क्योंकि घंटे में किए गए कार्य की यहाँ पे जिक्र है नहीं, अब कार्य सिमिलर है मतलब W1 बराबर है W2 के, तो वो तो कैंसिल हो जाना है। तो चलिए M1 D1 बराबर M2 D2 का ये कांसेप्ट लगेगा, लेकिन इसे ध्यान दें कि M1 क्या है, शुरुआत में जो मजदूर कार्य पर लगे थे। तो कुछ व्यक्ति कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति मतलब कितने व्यक्ति ये नहीं पता, हमने मान लिया ये जो कुछ व्यक्ति हैं वो एक्स है, हमने माना M1 जो शुरू में कार्य पर मजदूर थे या व्यक्ति थे वो M1 बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स व्यक्ति। तो ये x व्यक्ति कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 90 दिन में। तो ये D1 दिया है पहले कंडीशन में 90 दिन, ध्यान समझिएगा, कुछ व्यक्ति हमने माना है x व्यक्ति हैं और ये कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 90 दिन में। अब प्रश्न ये है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए मतलब जितना शुरुआत में काम पर लगे थे यदि उससे 15 कम हो जाए तो शुरुआत में कितने व्यक्ति कार्य पर लगे थे, x व्यक्ति। तो कह रहा है कि यदि, मतलब अब यहां से दूसरा स्टेटमेंट शुरू है, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए मतलब जितना पहले थे x थे, अब यदि 15 कम हो जाए तो x माइनस 15 व्यक्ति हो जाएंगे, तो उस कार्य को पूरा करने में 10 दिन अधिक समय लगेंगे। भाई सीधा सा बात है कि यदि मजदूर कम होंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा ही ना, तो अब यहाँ पे जो समय लगेगा इसलिए D2 वो कितना हो जाएगा, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन समय ज्यादा लगेंगे। तो मतलब जो पहले x व्यक्ति 90 दिन में कार्य कर रहे थे, यदि वही x में से 15 व्यक्ति कम हो जाए तो जितना पहले समय लगता था उससे 10 दिन ज्यादा लगेगा, मतलब अब 90 दिन नहीं बल्कि कितने दिन, मतलब x व्यक्ति कार्य को 90 दिन में करते हैं, तो यदि x में से 15 मजदूर कम हो जाए, 15 व्यक्ति कम हो जाए तो वही कार्य पहले से 10 दिन ज्यादा चलेगा, मतलब जो पहले 90 दिन चलता था वो कितना चलेगा, 100 दिन। बस यही रख दीजिए, M1 है x, D1 है 90, M2 है x माइनस 15 और D2 कितना है, 100। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया,
तो 9x बराबर कितना 10 का गुणा x में करेंगे 10x माइनस 10 का गुणा 15 में x होगा। तो 10x इधर पक्षांतर करेंगे तो 9x में 10x घटेगा तो माइनस x बराबर माइनस 150, ये माइनस से माइनस हट जाएगा। तो शुरुआत में कितने मजदूर कार्य पर थे 150, जो कि आपके ऑप्शन बी में बतलाया हुआ है। तो बिल्कुल आप समझ पाए हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये, तो मैंने पूरी भूमिका क्रिएट की जनरेट की, तो आसान कम में रहा। तो इस सीरीज में एक अंतिम प्रश्न पर हम आ जाएं, सॉरी अंतिम प्रश्न क्या, अभी इस सीरीज के अगले प्रश्न की ओर आ जाएं जो टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो हर एक पहलू को बड़े ध्यान से देखना है, और ये वीडियो अनलिस्टेड बना रहे हैं क्योंकि साइड में प्रश्न लिखना होता है और फिर उसमें आपका समय ना बेकार जाए, मैं जितना प्रश्न लिखूँ उसमें आपका उतना समय बेकार होगा। तो ये प्रश्न मैं वीडियो अनलिस्टेड बना रहा हूँ ताकि प्रश्न मैं लिख लूँ और साइड में फिर समझाता चलूँ, आपके समय की बचत हो, आप जितनी देर जुड़े रहें जितनी देर देखें वो समय आपका उपयोगी हो, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अगले प्रश्न पर आ जाए, और अपने कमेंट लास्ट में जब वीडियो देखिएगा तो कमेंट पब्लिकली जो कमेंट है उसे जरूर दीजिएगा, है ना, उससे उत्साहवर्धन होगा आपके लिए, और कुछ अभी जितने दिन रिमेनिंग हैं आपके लिए कुछ और किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा जुड़े रहेंगे आपसे इधर परीक्षा तक। चलिए देखिए एक अगला 27 नंबर का सवाल, एक समचतुर्भुज है उसका परिमाप 52 मीटर है, मतलब समचतुर्भुज आप समझ रहे हैं जिसकी हमने बताया था चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजा समांतर होती, ये एक कोई समचतुर्भुज है, इसका जो परिमाप है इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, इसका परिमाप 52 मीटर है। डेफिनेट जब परिमाप 52 है चारों भुजाएं बराबर है इसका मतलब प्रत्येक भुजा 13-13 का कितना होगा 13-13 का होगा। इसमें दिया है कि यदि छोटा वाला विकर्ण 10 मीटर हो तो ये जो छोटा वाला डायगोनल है ये कितना है 10 मीटर, तो इसमें ये पूछा गया है तो फिर बड़ा वाला विकर्ण क्या होगा, ये मान लिया विकर्ण बड़ा है तो ये क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि समचतुर्भुज में देखिए समचतुर्भुज का परिमाप 52 है, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 13 है, इसमें छोटा वाला विकर्ण 10 मीटर है तो बड़ा वाला विकर्ण आपसे पूछा गया है जो कि बड़ा विकर्ण हमने BD माना। वैसे मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज और भुजा में विकर्ण, समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में संबंध, इसमें हमने आपको ये बताया था कि समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब इसके जो भुजा है जो कि 13 है उस भुजा के वर्ग का यदि 4 गुना कर दें तो दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यह संबंध होता है समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना इनके दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्रम है। आपको बता दें यूपीटेट में तो प्रश्न समचतुर्भुज के बने ही हैं, लिखित शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी एक प्रश्न इसका पूछा गया था, SSC हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं समचतुर्भुज का प्रश्न बराबर बनता है, और समचतुर्भुज में ये कॉन्सेप्ट तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर प्रश्न में समचतुर्भुज का यदि प्रश्न आता है तो प्रयोग होते रहते हैं। तो बड़े ध्यान से ध्यान समझिएगा, भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। डी जहां डायगोनल है, डायगोनल मींस होता है विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल का, पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। तो चलिए देखिए 4 × a का स्क्वायर, a कितना है 13, चूंकि परिमाप 52 दिया है, जब परिमाप 52 है तो भुजा कितनी होगी 13 होगी चूंकि चारों भुजाएं बराबर होगी, तो 4 × a का स्क्वायर भुजा के वर्ग का 4 गुना ये बराबर होता है दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के। तो एक विकर्ण तो छोटा वाला दिया है, एक विकर्ण कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता है जो कि बड़ा है वो d2 का स्क्वायर जैसे का वैसा कर लीजिए, तो 13 का स्क्वायर 169 का गुणा 4 में, तो अब बताइए 169 का गुणा यदि 4 में तो 4 × 9 = 36 राशि लगा 3, 4 × 6 = 24, 3 × 27 = 27, 7 × 2 = 4, 4 × 1 = 4 और 2 तो ये 676 आएगा, समझ है ना, 13 का स्क्वायर 169 का गुणा 4 में हमने गुणा किया 676 बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस d2 का
स्क्वायर। तो ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 576 बराबर डी टू का स्क्वायर। इसलिए डी टू कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 576 किसका वर्ग होता है 24 का वर्ग, तो दोनों साइड घातें समान हो जाएंगी, तो डी टू बराबर कितना जाएगा 24, आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। तो छोटा वाला विकर्ण 10 का है तो बड़ा वाला विकर्ण कितना होगा 24। प्रॉपर्टी जरूर बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले सीरीज पर आते हैं। प्रश्न का यहाँ पे 24 मीटर है, डी टू इसका बराबर 576, तो डी टू बराबर करीब 576, 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है। तो चलिए हम अगले सीरीज प्रश्न पर आते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर सीरीज का जो अगला प्रश्न है 28 नंबर का, इसमें लिखा है कि किस साधारण ब्याज दर से 10 वर्ष का जो ब्याज है उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा। मतलब जो 10 वर्ष का जो ब्याज है साधारण ब्याज, वो उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा। किस धन का? मूल धन का। मतलब जो ब्याज है 10 साल का जो ब्याज है, वो ब्याज उस धन मतलब मूल धन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो साधारण ब्याज है वो किसके बराबर है? किसी धन का जो साधारण ब्याज है वो किसके बराबर है? उस धन के 2/5 गुने के बराबर हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज जो है उस धन मतलब मूल धन के का मतलब गुणा 2/5 गुने के बराबर है। मतलब ऐसा किस साधारण ब्याज दर से, वो ब्याज की दर बतानी है जिसमें 10 साल का जो साधारण ब्याज हो वो उस धन का 2/5 हो। मतलब साधारण ब्याज उस धन का 2/5, मूलधन आप इधर पक्षांतर कर लीजिए तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर कितना 2/5। अच्छा आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही ना। अच्छा आपसे ब्याज की दर पूछा गया है, यहां पे स्पष्ट है कि मूलधन यदि 5 रुपए होगा तो उसमें ब्याज 3 रुपए होगा। मूलधन यदि 5 रुपए होगा तो ब्याज कितना होगा 3 रुपए होगा। तो ब्याज की दर बताना है, जैसे ब्याज की दर बताना है तो बाकी को आप इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो जब बाकी इधर पक्षांतर होगा तो ये एसआई गुणा 100 बटे ये मूलधन गुणा समय, ये हो जाएगा। जब दर निकालेंगे तो जब ये इधर पक्षांतर होगा तो साधारण ब्याज के साथ ये जो 100 हर में है इधर गुणा हो जाएगा, एसआई गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा समय। अब वही करना, साधारण ब्याज कितना है, एसआई कितना है 2 है गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 5 और गुणा समय, समय दिया है 10 वर्ष, समय कितना दिया है तो 0 से 0 कैंसिल, 5 गुणा 10 ब्याज की दर कितना है 4%, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपके दिया गया है। तो चलिए सीरीज के इस अगले प्रश्न पर आ जाएं। अगला प्रश्न बेहद आसान दिया गया है। प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि यदि 1024 का वर्गमूल 32 हो तो इस पर्टिकुलर का वैल्यू पूछा गया है। वैसे मान हमें बताना है 10.24 करणी के अंतर्गत प्लस 0.1024 और प्लस 0.00102। चलिए अच्छा ध्यान देना, आमतौर पे जब ऐसे प्रश्न आए तो सीधे तौर पर आप क्या करना, अब ऐसा नहीं करना कि इसे इस तरीके से लिखें कि 1024/100 इसमें समय लग जाएगा। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1024 का वर्गमूल 32 दिया है, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा 3.2, लेकिन इसमें समय लगेगा। आपको बस क्या करना है, हम जानते हैं जो राशि करणी के अंदर होती है जब बाहर निकलता है तो उस पर घात कितना होता है 1/2, तो यही बिहेव यहां पे दशमलव पर भी होगा। करणी के अंदर जितने अंक पर दशमलव है तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसके हाफ डिजिट पर दशमलव
प्लेस होगा। जैसे कड़ी के अंदर दो अंक पर दशमलव है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव एक स्थान पर एक अंक पर आ जाएगा। चार अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालने के बाद दो अंक पर दशमलव हो जाएगा। जैसे यहाँ दशमलव को यदि इग्नोर करें, बड़े ध्यान से समझिएगा, दशमलव को इग्नोर करें तो 1024 हो जाएगा, मतलब दशमलव छोड़ दे तो 1024 होगा, जिसका सीधा सीधा वर्गमूल कितना दिया है, 32 दिया है। अब यहाँ पर दो अंक पर दशमलव है तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव कितने अंक पर रिप्लेस हो जाएगा, एक अंक। इसी तरीके से यहाँ भी अभी दशमलव छोड़ दे तो 1024 ही पढ़ेंगे और 1024 का वर्गमूल कितना, 32। यहाँ कड़ी के अंदर चार अंक पर दशमलव था तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो दो अंक पर लगेगा, एक दो, मतलब यहाँ पे दशमलव लगेगा, और दशमलव के पहले कोई अंक ना हो तो जीरो तो होता ही। अब प्लस यहाँ भी 1024 का वर्गमूल 32 होगा यदि दशमलव को छोड़ दे तो। अब यहाँ पे 6 अंक पर दशमलव था तो जब वर्गमूल निकालेंगे 3 अंक पर, तो यहाँ तो 2 ही अंक था तो मैंने 22 साइड एक जीरो बढ़ा के। अब जोड़ना कुछ इस तरीके से कि दशमलव दशमलव के नीचे ही रहे, मतलब इस तरीके से जोड़ना 3.2 और इसमें जोड़ना 0.32, फिर इसमें जोड़ना 0.032। जब जोड़ेंगे तो ये 2.55.3.552 हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है, बड़े ध्यान से आपने इस क्रम को देखा। तो चलिए सीरीज के अगले प्रश्न पर आ जाएं। 30वां प्रश्न है, जिसमें दिया है कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठ 1628 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतन बताना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर गुणा एच, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आयतन तभी बता सकते हैं जब आर भी आ जाए और एच भी आ जाए। इसके लिए कंप्लीट जानकारी दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या को हम आर से इंडिकेट करते हैं जहां रेडियस है और ऊंचाई को एच से, तो त्रिज्या और ऊंचाई इन दोनों का योगफल कितना है, 37, मतलब R और प्लस H ये बराबर कितना है। एक जानकारी और दिया है, यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 1628 वर्ग सेंटीमीटर, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, तो ये संपूर्ण पृष्ठ बेलन का दिया है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ये बराबर कितना दिया है, 37। अब देखिए बहुत ही आसानी से आप इस पार्ट को समझ सकते हैं, सॉरी 2 पाई आर एच प्लस आर, संपूर्ण पृष्ठ 37 नहीं बल्कि कितना है, 1628। अब आप समझ गए हैं आर प्लस एच का मान दिया हुआ है 37, तो कैसे हल करिएगा, थोड़ा ध्यान समझिए। ये 2 को 2 ही लिखिए और पाई का मान कितना होता है, देखिए 2 को 2 ही रखिए और पाई का मान होता है 22/7 गुणा ये रेडियस हमें नहीं पता है और h प्लस r पता है, h प्लस r कितना है, h प्लस r दिया है कितना, 37 बराबर 1600। वैसे रेडियस यहां से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, आप रेडियस को यहीं रोके रखिए, बाकी को उधर पक्षांतर करिए, प्रोसेस क्या होगा बड़े ध्यान समझिए, रेडियस निकालना है तो बाकी उधर भेजिए, तो उधर तो 1628 था ही पहले से। अच्छा, 2 को जनरली 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2/1, तो जब 2/1 उधर पक्षांतर होके जाएगा तो 1628 के साथ गुणा हो जाएगा 1/2, 22/7 जब पक्षांतर करिएगा दूसरे साइड तो 22/7 जब उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 7/2, रेडियस तो यहीं पर हमने रोका है, 37 को 37/1 लिख सकते हैं, जब ये उधर जाएगा तो 1/37 हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, 2 का गुणा 22 में 44 और 44 का गुणा 37 में गुणा करेंगे 1628 आएगा, 2 का गुणा 22 में 44, 44 का गुणा 37 में 1628, मतलब ये पूरा सेक्शन इससे कट गया, रेडियस आ गया कितना, 7 है ना, बाकी सब कट गए हैं, रेडियस आ गया 7 और हम जानते हैं त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 दिया है, तो जब त्रिज्या 7 हो गया तो निश्चित रूप से ऊंचाई 30 हो जाएगा, रेडियस का मान 7 रख दीजिए तो 7 उधर माइनस हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या भी आ गया ऊंचाई भी आ गया, इसलिए आयतन पूछा है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का स्क्वायर रेडियस है 7 तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 7/7 और गुणा h, h का मान कितना है, 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए
अब 22 का गुणा 7 में था गुणा 30 में। वैसे उत्तर देना बहुत ही आसान है, देखिए क्या करना, जब गुणा करेंगे तो इकाई क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इकाई तो जीरो, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, अब कैसे करेंगे, तीन जी 22 बाईस यहाँ 66, 660 का गुणा 7 में 4620 आएगा, 4620 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए सीरीज के इस अगले प्रश्न पर आ जाएं, जो यहां पर 31 नंबर का सवाल दिया गया है। लिखा गया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर, जानवरों से संबंधित प्रश्न मैंने आपको नंबर सिस्टम के सीरीज में जिसमें पूरी पहलू को मैंने जनरेट किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, इनसे जब प्रश्न बनते हैं तो चार पैर और दो पैर वाले जानवर से लेकर प्रश्न उठाए जाते हैं, जिसमें चूहे चार पैर और कबूतर दो पैर, जिसमें 90 सिर दिया है और 224 पैर दिया है, तो कबूतर की संख्या पूछा गया है। आप इस प्रश्न को प्रैक्टिकली यदि हल करना चाहें, मतलब बिना पेपर और पेंसिल के माध्यम से, तो मैंने आपको क्लास में बताया था, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, आसानी से उत्तर दे सकें, मैं थोड़ा साइड में जाऊँ ताकि डेटा आपको दिखता रहे। जी हाँ, देख पा रहे हैं, मैं प्रश्न को देखा जाए, इस प्रश्न को कई तरीके से हल कर सकते हैं, युग्म समीकरण से, एक रैखिक समीकरण बना के, एलिगेशन मेथड से, तीसरा मेथड हो गया, और चौथा एक प्रैक्टिकली मेथड है, मतलब तीन चार तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दो तरीके की चर्चा कर दे रहा हूँ, एक जिसमें आपको पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक रैखिक समीकरण से। देखिए, आपको प्रैक्टिकली हल करना हो तो कैसे हल करेंगे, चूहे और कबूतर चार पैर और दो पैर वाले जानवर हैं जिसमें 90 सिर है। अच्छा, सिर से ही पता चल गया जानवर भी 90 ही है ना, 90 गर्दन है, 90 सिर है, तो जानवर भी 90 है, क्योंकि यहाँ चाहे चूहे हो चाहे कबूतर हो, गर्दन एक ही एक होता है, तो 90 सिर है मतलब 90 जानवर भी है। इस 90 जानवर में चूहे कितने हैं, कबूतर कितने हैं, ये भी प्रश्न छिपा है, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 90 में ही चूहे हैं और 90 में ही कबूतर है। अब यह मानते हुए कि सभी जानवर अपने, देखिए बड़े ध्यान सुनिएगा, अब यह मानते हुए कि सभी जानवर अपने दो दो पैर नीचे जमीन पर रखे ताकि संतुलन में बना रहे, कबूतर के दो पैर होते हैं, ये दोनों पैर अपने जमीन पर रखे हुए हैं, और चूहे के चार पैर होते हैं, हमने यह मान लिया कि प्रत्येक चूहा अपने चारों पैर जमीन पर नहीं टिकाया है, बल्कि दो दो पैर जमीन पर रखे हैं और बाकी के दो दो पैर जमीन से ऊपर उठाए हुए हैं। अब ध्यान से समझिए, 90 जानवर हैं, 90 गर्दन है, 90 जानवर हैं, तो 90 जानवर हैं और हर जानवर अपने दो दो पैर नीचे टिकाएगा, तो 90 दूना 180 पैर हो गए जमीन पर, लेकिन यहाँ पे पैर है 224, तो 180 पैर, 90 दूना 180 पैर नीचे हो गए, तो बचे कितने पैर, 20 उधर और 24 उधर, 44 पैर जमीन से ऊपर है। बड़े ध्यान समझिए, 90 जानवर है, हर जानवर अपने दो दो पैर नीचे टिकाया हुआ है, तो 90 दुना 180 पैर तो नीचे हो गए, लेकिन पैर है 224, और 224 में जब 180 नीचे हो गया तो बचा 44 पैर, वो जमीन से ऊपर है, और जो जमीन से ऊपर पैर है वो चूहे के पैर है, चार पैर वाले के, क्योंकि कबूतर के तो दो होते हैं, दोनों नीचे थे, तो ये जो 44 पैर उठे हुए हैं, ये 44 पैर किसके उठे हैं, चूहों के, और एक एक चूहा अपने दो दो पैर उठाए, क्योंकि दो दो नीचे रखा था, दो दो उठाया था, एक एक चूहा अपने दो दो पैर उठाया हुआ है और 44 पैर उठे हैं, मतलब 22 चूहे, कितने चूहे हैं, 22 चूहे, तो 90 जानवर में 22 चूहे हो गए, तो 22 गर्दन तो हो गए चूहों के, और गर्दन थे 90, तो 90 में 22 चूहे हो गए, तो 90 में यही 22 घटा दीजिए जो बचे वो कबूतर के गर्दन है, तो 90 माइनस 22, 22 60 30 68, ये हो गए कबूतर। अब इसे हल करना है, ये जो मैंने फैक्ट बोला है, बड़े ध्यान से एक बार आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये कभी भूलेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए स्पष्ट है कि 90 जानवर, ये इसलिए स्पष्ट है क्योंकि 90 गर्दन है। एक तरीका और देख लीजिए, इसमें चूहे हैं और कबूतर हैं, कौन कितने हैं नहीं बता रहे,
अच्छा यदि हम आपसे कह दें कि 90 में 50 चूहे हैं तो कबूतर 40 हो जाएंगे, कैसे? 90 जानवर में चूहों की संख्या घटा दीजिए, कबूतर की संख्या मालूम हो जाएगी। मतलब जितने जानवर हैं उसमें से चूहों की संख्या निकाल दी जाए तो कबूतर की संख्या आ जाएगी। हमने मान लिया चूहे एक्स है तो कबूतर कितने होंगे, 90 में से एक्स घटा दीजिए। अच्छा समूह में कुल 224 पैर है, मतलब चूहों के पैर प्लस कबूतर के पैर मिला के कितने, 224। तो यहाँ पे चूहे x है, एक चूहा के कितने पैर होते हैं, 4। तो यहाँ पे x चूहे हैं तो कितने पैर होंगे चूहों के, 4x। अब प्लस एक एक कबूतर के हम जानते हैं दो दो पैर होते हैं, एक एक कबूतर के दो दो पैर होते हैं। यहाँ पे कबूतर की संख्या कितनी है, 90 माइनस x, तो इनके कुल कितने पैर हो जाएंगे, गुणा 2 करते हैं। जैसे चूहों की संख्या x है, एक चूहे के 4 पैर तो x चूहे के 4x, प्लस कबूतर की संख्या 90 माइनस x है और एक एक कबूतर के 2 पैर होते हैं तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए और दोनों के पैर मिला के 200। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 का गुणा 90 में 180 माइनस 2x, 2 का गुणा x में करेंगे बराबर। अब 4x में 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x, 180 उधर माइनस हो जाएगा तो 4 22 में से 18 गए 4, तो x बराबर कितने हो गए 22। ये x किसकी संख्या हो गई, 22 चूहे, तो 90 में से 22 चूहे हो गए। तो ये x का मान यहां घटा दीजिए कबूतर आ जाएगा, तो 90 माइनस x कितने, इसलिए कबूतर है 90 माइनस x, 90 माइनस 28 सॉरी 22 बराबर 68। ये हुआ तो कैलकुलेशन का ये अगला क्रम रहा। तो आपने इसे देखा, वैसे वीडियो काफी लॉन्ग बन रहा है, एक घंटे के ऊपर का वीडियो हो गया। तो ये भाग दो में आपने कुल 31 प्रश्न का यहाँ पे कम्बिनेशन देखा। तो चलिए इसमें जो रिमेनिंग पार्ट हैं, टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं भाग तीन में, उसे हम अभी जल्द लेकर आ रहे हैं, जुड़े रहिएगा। और इसमें अपने चूंकि अनलिस्टेड वीडियो है, लाइव में नहीं हुआ वो, इसलिए ताकि ये जो प्रश्न लिखने में समय लग रहा है वो आपका बच जाए, आप जितनी चीज़ें देखें उसमें जुड़े रहें बराबर, आपका एक एक मिनट उपयोग में आए। तो अब हम भाग तीन लेके थोड़ी देर में आएंगे और जब इस वीडियो को देखिएगा पब्लिकली इसमें अपना कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। और अभी मान लिया जो सब्सक्राइब चैनल नहीं किए हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर, अपडेट मैटर बिल्कुल देते रहें। और फिर से एक बार आपके परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ फिर मैं आज का क्लास क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम फिर से लाइव होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।